करना, और मैं चाहता हूं योग करके पूर्ण जागृत समर्थ आत्माएं हो, हर एक नर में नारायण प्रकट हो, हर एक पुरुष महापुरुष हो, हर एक मानव महामानव हो, यही काम करना है, नर में नारायण को प्रकट करना है ना। चलो अब 12 आसन करेंगे। एक बहन कुछ कहना चाहती है, क्या नाम बहन आपका? ओम बाबा जी। ओम बहन। मेरा नाम मटू अंचल है। हाँ? मटू अंचल। मटू अंचल। हाँ। मैं बड़ौदा से आई है, मेरे 6 ग्रोत का ट्यूमर था लीवर में। कितना? 6 ग्रोत का, बहुत 6 इंच का। 6 इंच का ट्यूमर, बहुत बड़ा ट्यूमर था बाबा जी। डॉक्टर ने कही थी कि 3 महीने के अंदर ही मर जाएंगे। 3 महीने में मर जाएगी? मर जाएंगी। इन डॉक्टरों का तो यमराज के साथ पूरा ही कनेक्शन है लगा बाबा जी। 3 महीने में बताओ उसको, बोले मर जाएगी। मैं बाबा जी एक टीचर भी हूँ, और मैं एक सिखाती भी, घर पे शिविर भी लगाती, सबको सिखाती अभी। हाँ, ये बड़ौदा, बड़ौदा को गुजरात वाला बड़ौदा है क्या? शेखपुर बड़ौदा, यहाँ 20 किलोमीटर बड़ौदा अलग है। मैंने सोचा बड़ौदा से कैसे चल के आ गई सुबह सुबह। तो अब वो गांठ का क्या हाल है अंचल? बाबा जी नॉर्मल, मैंने मई में अल्ट्रासाउंड कराई थी तो ट्यूमर बिल्कुल नॉर्मल आया है। ये नॉर्मल आ गया। सुनो, ओवरी में भी गांठ थी बहुत बड़ी, स्तन में भी गांठ थी, 3 जगह गांठ, लीवर में, स्तन में, ओवरी में, और सारी ठीक कर ली। सारी ठीक हो गई बाबा। तो ऊपर आ जा तेरे को, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती। आजा मेरे पास आ, ऊपर आ, तेरे को तो इनाम दूंगा। इधर आ बाबा जी, क्योंकि हमारा जो बेड 40 से किसी डॉक्टर ने 41 नहीं कर पाया। अब मैं 60 किलो की हो गई हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत 12 रहता है। पहले तो हीमोग्लोबिन कितना था? ऐसी 8-7 रहता था। 8 था हीमोग्लोबिन, 7 बढ़ नहीं पाता था, 7-8, अब 12 है। और वेट कितना था? वेट 40 किलो से मतलब ऊपर नहीं हो पाया, 40 से ऊपर नहीं हो पाती थी, दुबली पतली थी। अब एकदम दुबली, मेरी जिंदगी बाबा जी बहुत उसमें हो गई थी, क्योंकि घर वाले खाना भी नहीं खाते, मेरी जिंदगी बिल्कुल। 3 महीने के डॉक्टर ने की रही थी तो सारे टेंशन में थे। फिर आपको हम आपके हरिद्वार चली गई 2006 में। अच्छा, 2006 की बात बता रही है, तो बहुत पुरानी बहन है भैया। तो हम आपके मतलब एक टीचर भी हैं, शिविर भी लगाया मैंने, आपके पतंजलि पीठ की दवाई भी खाई। और बाबा जी आजा ऊपर आजा, तेरे को इनाम देता हूँ इसके लिए, जोरदार तालियां हो जाए भैया। अंचल ने तो सारी बीमारियां ठीक कर ली एक में ही, सारी बीमारी। हीमोग्लोबिन कम था, वेट कम था, 7-8 से हीमोग्लोबिन 12 पे आ गया। ऊपर भेज दो भैया इसको, लावा इसको, सारी बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं इसके, इसको इनाम देते हैं आज। हाँ, हीमोग्लोबिन 7-8 से 12 कर लिया। माताओं का बहुत कम रहता है खून, हड्डियां कमजोर, खून कम, ये सब। और 40 किलो वजन था, मोटे मोटे तो पतले होते देखे आपने, 40, 10, 20, 25, 50 किलो वजन कम। वो मेरे पास प्रूफ है सबके, रोज देखते भी हो आप लोग। इसने 40 से अब वजन भी एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया, अच्छे खाते पीते घर के लगा, नहीं तो यूं सोचो पता नहीं इसके साथ ससुर इसको रोटी भी देते होंगे कि नहीं। और लीवर में ट्यूमर, स्तन में ट्यूमर, ओवरी में ट्यूमर, सारे ठीक कर लिए भाई। जोरदार अभिनंदन इस बेटी का। तो हरिद्वार जाके योग सीख के आई और सारी बीमारी मिटा ली। लाओ इसको च्यवनप्राश भी दो, ये भी दो, ये घर साफ करने वाला। ये तो पहले तो घर में क्या लगाते थे, चोका लगाते थे गाय के गोबर आदि का, अब ये पोचा लगाना। गौमूत्र से बना हुआ फिनाइल है ये, घर शुद्ध हो जाएगा। फिर ये वास्तु उस वाले बहकाते रहते हैं ना, किसी के बोलो तेरे तो दिशा इधर है, तेरी खिड़की इधर है, तेरे दरवाजे उधर है। अरे तेरा द्वार प्रभु की ओर खुला होना चाहिए, सब कृपा ही कृपा होगी। आजकल बहुत से लोग तो कृपा भी रसगुल्लों में बांटे, गोलगप्पों में। और ये च्यवनप्राश खाना बेटा, और अपने बच्चे को बादाम पाक खिलाना। ला ए बादाम पाक, हाँ उसको हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बोर्न बीटा नहीं, ये बच्चों को बादाम पाक खिलाना चाहिए। और ये साबुन, इसको सर्फ भी दो, कपड़े धोने वाला दोनों दो, दो दो है ना, दो तरह की, वो दूसरा भी। ये तो महंगे वाले कपड़े धोना, ये महंगे वाला है, और ये सस्ते वाले कपड़े धोना, और ये साबुन, और इसको शैम्पू भी तो दो, बाल बढ़िया धोएगी, देसी शैम्पू। ये रीठा वाला है, ये रख, डरे मत, इसमें फिर ये नारियल का तेल लगाना। इसको झोला भी तो दो सामान रखने के लिए, क्योंकि ये योग सेवा करती है 6 साल, अब 6-7 साल हो गए, खुद भी करती है और दूसरों को भी कराती है।
योग शिविर चलाती है, ठीक है। सब इसके लिए इसको दे रहा हूं कि जो योग सिखाने वाले हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जो खुद करते ही नहीं है दूसरों को भी कराते हैं। जो योग सिखाने वाले हैं खड़े होना भैया, जो योग दूसरों को भी सिखाते हैं, ये हमारा जो है ये सामने खड़ा हुआ ये पुराना शिक्षक हमारा है? हमारे से जवान जवान सब एक बार हाथ हिलाएंगे जरा, एक बार इनका अभिनंदन हो जाए भाई, ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सबको योग सिखाना, हमारी बहने भाई हाँ। ये ले जा बेटा, कोई नहीं ये ले, इधर दे दे, इसी में डाल ले, ये अपना सामान लेकर के जा हाँ, इसी में डाल ले। और इसकी तो दिवाली से पहले ही सारा गिफ्ट दे दिया इसको हाँ। तो इसको जिंदगी मिल गई है, तो आज प्रेम से इसको इसलिए दे रहे हैं। 2 घंटे करती है हाँ, ये है बड़ी बात हाँ। अरे वो आटा भी तो रखा है, वो बेसन भी देना, हलवा बना के खाएगी। मुझे बेसन का हलवा बहुत बढ़िया बनाना आता है, जब कभी हरिद्वार आओगे तब खिलाऊंगा हाँ। अपने दूसरे शिक्षकों को भी खिला देना, एक दिन घर बना करके भंडारा करा देना जा। पतंजलि की शुद्ध चीजें, अरे वो छूकने के लिए तेल तो दिया ही नहीं हाँ। ये सरसों का तेल शुद्ध है, आजकल अशुद्ध बहुत मिलता है, शुद्ध मसाले शुद्ध तेल सब। जा बेटा खुश रहो।